हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अगेन अंशु धारीवाल इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आज आपका हमारे चैनल दैजिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वीबीटी। हमारी जो सीरीज चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सीरीज बाय सीरीज चल रही है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, हुंस रूल, ये सब आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर आपने वो टॉपिक या फिर वो वीडियो आपने विजिट की है तो वीबीटी आपको एन इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वीबीटी है। वीबीटी इज जनरली ऑल्सो नोन एज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बताया, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली अलोन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो वो किसके साथ बॉन्डिंग बनके कौन सा बॉन्ड बनाएगा और कैसी उसकी ओवरलैपिंग होगी, इस टॉपिक में आज हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं इस वीडियो में, मैं पहले बता देती हूँ, मैं इस वीडियो में मेरे दो लेक्चर होने वाले हैं वीबीटी पे। वीबीटी पे मैं फर्स्ट में आपको इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो मेरे वीडियो को पूरा विजिट कीजिए, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए या फिर आपकी थ्योरी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, या जिन स्टूडेंट्स से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होती, या जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ करानी है और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होनी है और कैसे कैसे होनी है, तो वह मैं आज आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है वीबीटी। वीबीटी इज जनरली ऑल्सो नोन एज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि हु डिस्कवर द वीबीटी। साइंस में जितने भी क्वेश्चन है सब में डिस्कवरी हुई है, हर की कोई ना कोई किसी के साथ रिएक्ट हुआ है, या फिर हर कोई किसी ना किसी ने डिस्कवर किया है, तो पूछ सकते हैं आपसे हु डिस्कवर्ड द वीबीटी। तो वीबीटी इज डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग एंड सेलेक्टर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीबीटी इंट्रोड्यूस बाय दिस इज द डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। इन्होंने क्या की थी, वीबीटी डिस्कवर की थी। अब इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, देखो इसमें बॉन्ड बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। वीबीटी में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ही क्या करते हैं, नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसलिए हर कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो बहुत डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एज अ प्रॉपर वे में पढ़ें, और डेली उसका रिविजन करें, तो आपको चीजें याद होने लगेंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब हम कोई चीजें पढ़ते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही वो वीबीटी किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था पॉलिंग एंड सैलेंटर ने डिस्कवर किया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर जाता है, उसी को क्या कहा गया है, कोवेलेंट बॉन्ड। आप जानते हैं कि अगर कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, थ्री टाइप के, 1 2 3। फर्स्ट जैसे कि आपका आ जाता है, एक आता है सिंगल बॉन्ड, एक आता है डबल बॉन्ड, एक आता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर वीबीटी में पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या है, सिंगल बॉन्ड कहीं भी हो तो उसको क्या कैसे कैसे बताएंगे, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। उसको अगर हम बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अगर हम डबल बॉन्ड में लेंगे तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में लेंगे तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछ सकते हैं कि एक बॉन्ड में कितने सिग्मा है, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक बॉन्ड में कितने सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा के साथ। अगर दो बॉन्ड है तो क्या बनेगा, एक सिग्मा एक पाई। अगर दो बॉन्ड है और उसके साथ एक बॉन्ड और ऐड हो जाए तो उसके साथ क्या बनेगा, दो सिग्मा, नहीं एक सिग्मा दो पाई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इसमें बोला गया है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करने से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एटम शुड कम वेरी क्लोज, और उससे क्या आ जाते हैं, एटम्स बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वन आता है जैसे कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कराया है, ठीक है, उसके बाद मैंने अबव प्रिंसिपल भी प्रॉपर बताया है, उसमें आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग कैसे करते हैं। वो डिपेंड करता है, देखो अगर हमने कोई भी एक नंबर लिया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कराया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कराने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी,
तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे अपोजिट स्पिन में, कहा गया है ना अपोजिट स्पिन ओवरलैप, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर रहे हैं, अगर हम दोनों को ऐसे फिल करेंगे तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इनका सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि इसी की बॉन्डिंग किसी के साथ करा दी, उसकी बॉन्डिंग उसके साथ करा दी, नहीं, सिंगल सिंगल वे में हमें क्या करानी पड़ेगी, ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। तो इन अपोजिट स्पिन अगर हम ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेलली इसको क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ओनली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट स्पिन ओवरलैप। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर एक और सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करेंगे, तो उनको फिल करने के बाद जो हमारी ओवरलैपिंग होगी वो क्या बनाएगी, एक ऑर्बिटल बनाएगी एज अ प्रॉपर वे। तो हमें प्रॉपर वे में बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करेंगे, फिर हम एक सिंगल वे में इलेक्ट्रॉन, फिर अगर अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो ये एक इस तरीके का क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल में क्या होगी, इनकी फिलिंग होगी, एक तरीके से क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग बनाएंगे। वीवीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, स्ट्रक्चर्स का, कि एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में कैसी कैसी स्ट्रक्चर बनती है, वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको ये थ्योरी आज प्रॉपर वे में समझ में आ गई तो आपको जो होगा क्या बोलते हैं, अगले लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दूंगी कि किसकी ओवरलैपिंग किसके साथ हो रही है, एस की किसके साथ हो सकती है, पी की किसके साथ हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो इस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी के साथ, बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होगी तो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वन अपॉन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के साथ। ये आपसे जनरली पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ओवरलैपिंग को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो वन अपॉन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखो ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बोले ध्यान से सुना कि दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। सबसे पहले आ जाती है आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग एंड दैट इज पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, जो मतलब हेड और हेड से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है, दिस ओवरलैपिंग, ये कैसे हो रही है, हेड और हेड के साथ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इसी को क्या कहा गया है, एक्सियल ओवरलैपिंग। आपसे पूछ सकते हैं कि सिग्मा ओवरलैपिंग को जो उसमें बॉन्ड कैसा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इनकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, वो होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहां पे एक दो बॉन्ड होंगे एक सिग्मा एक पाई होगा, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे होगा एक सिग्मा दो पाई। तो इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आ जाती है आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग को इन अदर उसमें भी बोल सकते हैं, मतलब होता है ना कि एक चीज के दो नाम हो जाते हैं, ऐसे इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। ये किस पैटर्न में होती है, ये इस पैटर्न में होती है, इसी को क्या गया है, पैरेलल ओवरलैपिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग एंड द सेकंड इज पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज टू ओवरलैपिंग एक्सियल एंड पैरेलल। तो ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पैरेलल ओवरलैपिंग ये कैसी होती है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कैसी होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और इस ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, इस ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है, इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। अब बात आ जाती है कि ओवरलैपिंग किस किस के साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी। देखो आपने कोई वेव लिया, सपोज आपने कोई वेव ली, इसमें कैसे चार्ज है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। ऐसे क्या होती है, वेव क्या करती रहती है, ऐसे फ्लो करती रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही जैसे हम पी ऑर्बिटल लेंगे, फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे कि हमने एक पी ऑर्बिटल लिया, पी ऑर्बिटल में दो हमने क्या लिए, ऑर्बिटल लिए, और उसके साथ क्या हुई, इनकी ओवरलैपिंग कराई। अगर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो क्या होता है,
एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ऐसे ये एक वेव है, इसमें क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, तो ऐसे ही जब हम इसकी ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये ओवरलैपिंग जो होगी वो प्लस की प्लस के साथ ही ओवरलैपिंग होगी, माइनस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी और प्लस माइनस की कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। मैंने अगले स्टेटमेंट में यही लिखा है कि प्लस प्लस इज ओवरलैप, प्लस प्लस क्या करेंगे आपस में ओवरलैप करेंगे, माइनस माइनस क्या होंगे आपस में ओवरलैप करेंगे, बट इन द केस प्लस माइनस ओवरलैप देयर विल बी नो बॉन्डिंग, प्लस माइनस की क्या होगी आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो उसके साथ ओवरलैप एज अ प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक जैसा सिमिलर होगा तो दूसरा भी वैसे ही होगा, तो जैसे जैसे आप हो, आपको एक किसी दोस्त की जरूरत है तो आप अपने जैसे दोस्त ढूंढोगे तो उसी के साथ आपकी बॉन्डिंग उसके साथ एज ए प्रॉपर वे में होगी। एंड द सेकंड वन इज ए प्लस प्लस के साथ बॉन्डिंग करेगा, माइनस माइनस के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, प्लस माइनस की क्या होती है बॉन्डिंग नहीं होती, ओवरलैप देयर विल बी नो बॉन्डिंग। अब मैं इसका अगला लेक्चर लेके आऊंगी क्योंकि मैं एक लेक्चर को ज्यादा लंबा शूट नहीं कर सकती, तो इसी वजह से आपको मेरा वो वाला उसमें भी विजिट करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें ऑर्बिटल्स को आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग किसकी होगी, एस की कितनी ओवरलैपिंग होनी है, पी में कितनी ओवरलैपिंग होनी है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, लेकिन ये जो है आपको यहाँ से आपको प्रॉपर थ्योरी भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया, आपसे अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी में से बनेंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने बीबीटी पूरी पढ़ ली तो बीबीटी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसको प्रॉपर व्यू करिए और नोट्स इसके मैं आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।